अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि फॉर अ व्हाइल, इन अ व्हाइल और अन अ व्हाइल में क्या फर्क है। वे नहीं समझ पाते हैं कि इनका करेक्ट इस्तेमाल क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले देखें कि फॉर अ व्हाइल क्या है। फ्रेंड्स फॉर अ व्हाइल का मतलब होता है कुछ पल के लिए या कुछ देर के लिए। जैसे अगर आपको कहना हो कि कुछ पल के लिए रुको या कुछ पल के लिए ठहरो तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेट फॉर अ व्हाइल, यानी कुछ पल के लिए ठहरो। अगर आपको कहना हो कि कुछ पल के लिए मैं आराम करने जा रहा हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल, यानी कुछ पल के लिए मैं आराम करने जा रहा हूँ। अगर आपको कहना हो कि कुछ पल के लिए यहाँ आ जाओ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कम हियर फॉर अ व्हाइल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात समझा कि फॉर अ व्हाइल का मतलब कुछ पल के लिए या थोड़ी देर के लिए। आइए फ्रेंड देखें कि आफ्टर अ व्हाइल क्या है। आफ्टर अ व्हाइल का मतलब होता है कुछ पल बाद। जैसे अगर आपको कहना हो कि कुछ पल बाद हम लोग उब गए तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आफ्टर अ व्हाइल वी गॉट बोर्ड, यानी कुछ पल बाद हम लोग बोर हो गए या उब गए। कुछ पल बाद ट्रेन रुकी तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आफ्टर अ व्हाइल द ट्रेन स्टॉप्ड। कुछ पल बाद वो ऑफिस गया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आफ्टर अ व्हाइल ही वेंट टू ऑफिस, यानी कुछ पल बाद वो ऑफिस गया। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ सीखा कि आफ्टर अ व्हाइल का मतलब कुछ पल बाद। आइए देखें कि इन अ व्हाइल क्या है। इन अ व्हाइल का मतलब होता है कुछ देर में। जैसे मैच कुछ देर में शुरू होने वाला है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन अ व्हाइल द मैच इज टू स्टार्ट, यानी मैच कुछ देर में शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन अ व्हाइल या आफ्टर अ व्हाइल या फॉर अ व्हाइल का इस्तेमाल आप सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंस के शुरू में करेंगे तो आपको कॉमा देना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ देर में सीनियर डॉक्टर आएंगे, इन अ व्हाइल अ सीनियर डॉक्टर विल कम। कुछ देर में आपको रिपोर्ट मिलेगा, इन अ व्हाइल यू विल गेट द रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि जब आपको कहना हो कुछ देर में या कुछ पल में तो आप कहेंगे इन अ व्हाइल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर अ व्हाइल, आफ्टर अ व्हाइल और इन अ व्हाइल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इन तीनों टॉपिक पर एक एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ एक एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।